हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ और आप सोच रहे होंगे कि रेडी किस लिए हो चुकी हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से होता है, ये 1 मिनट का निकाल के कर लेती हूँ ठीक से। तो और एक चूड़ी पहनना भी बाकी है, तो एक चूड़ी वहाँ पर दिख नहीं रही थी तो मैंने माई को बोला ऊपर से लाने के लिए, ऊपर रखी है। तो हाँ, आज है तुलसी विवाह, फिर से गलत हो गया। और तुलसी विवाह की तैयारी मतलब अभी हो गई है, अभी थोड़ी देर में हम लोग विवाह करने वाले हैं। उससे पहले मुझे और भी काम है तो वो भी कर लेती हूँ। और मैं सोचा चलो आपसे बात कर लेती हूँ बाद में, तो आपसे बात करना नहीं होगा क्योंकि सारे लोग आ जाएंगे कॉलोनी के। और हमारे यहाँ पे तुलसी विवाह मतलब सबके साथ मनाया जाता है, तो सबको बुलाया जाता है तुलसी विवाह के लिए और फिर ऐसे मनाया जाता है। तो सब कॉलोनी वाले आ जाएंगे और उनको नाश्ता वगैरह भी दिया जाता है। तो इसी वजह से मैंने छोले भटूरे बनाए हैं। और हाँ, डांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो इससे बात भी करना नहीं हो रहा है, तो इसीलिए लो साउंड में बात कर रही हूँ, आप समझ जाइएगा। और बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है यहाँ पे। और ये वाली साड़ी पहनी है, तो साड़ी का लुक आपको पता नहीं यहाँ से दिख रहा है या नहीं, तो साड़ी का लुक भी आपको दिखा देती हूँ मैं। और डाइनिंग पे कुछ निकाल के रख दिया है सारा, ये साड़ी कुछ इस तरह से है, फुल लुक इसका इस तरह से है। और यही साड़ी पहन ली क्योंकि आगे मुझे यही दिखी थी, तो इसी वजह से यही साड़ी पहन ली। और बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है, और आज लास्ट डे है तुलसी विवाह का, इसी वजह से आज कर रही हूँ, नहीं तो दो तीन दिन से तबीयत ही खराब थी, तो इसी वजह से कर नहीं पाई कुछ भी। और मतलब कुछ ऐसे लोगों को बुला रहे थे नाश्ता वगैरह के लिए, भी देना पड़ेगा, तो इसी वजह से मैंने सोचा पहले बाहर से नाश्ता लाते हैं। बट अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा चलो घर पर कर लेते हैं, वो भी क्लिप में ऐड कर दूंगी जो भी मैंने बनाया है। और छोले भटूरे बनाया है तो वो भी क्लिप ऐड कर दूंगी। और थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ आपसे, मतलब बाकी काम करने के बाद। तो चलिए फिर काम कर लेते हैं पहले, और बाद में मिलती हूँ आपसे। हे गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैं जो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो बना के रखती हूँ, आप लोगों को पहले भी ब्लॉग में बताया है मैंने। तो मेरा लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो ख़त्म हो गया था, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर बना रही हूँ। बहुत सारे लहसुन जो छील के रखे हैं और उसमें अदरक ऐड किया है, और उसमें थोड़ा सा जीरा ऐड किया है। चाहो तो आप थोड़ी सी हरी मिर्च और क्या बोलते हैं धनिया पत्ता भी ऐड कर सकते हो। मैं बहुत बार करती हूँ बट इस बार नहीं किया है, तो इस तरह से पेस्ट बना लिया है। और ये पेस्ट इस वाले डिब्बे में भर के मैं फ्रिज में रख देती हूँ ताकि मुझे आराम से 8 दिन तो चल ही जाता है ये वाला पेस्ट। मतलब एक एक स्पून अगर आप डेली क्या बोलते हैं सब्जी में डालते हो। और हाँ, थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम है गाइस, क्योंकि आप लोगों को पता ही है मेरी तबीयत ख़राब है, तो इसी वजह से वॉइस ओवर करते के टाइम थोड़ा सा मुंह में छाले हो गए हैं। तो और टॉन्सिल्स का भी प्रॉब्लम है, तो इसी वजह से आपको ऐसी आवाज़ आ रही होंगी, तो प्लीज़ माइंड मत करना और समझ जाना। तो यहाँ पर मैं छोले बना रही हूँ, मतलब छोला भटूरा बनाना है मुझे, उसके लिए मैं छोले बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने रात को ही छोले भिगो के रख दिए थे। मैंने सोचा, पहले सोचा था कि अगर मैं छोले भटूरे बनाने का सोचा था मैंने, बट मैंने रात को छोले भिगो के रख दिए थे। बट मैंने सोचा था कि अगर मेरी तबीयत ठीक होगी तो ही मैं बनाऊँगी, अदरवाइज़ मैं बाहर से नाश्ता लाऊँगी। तो हमारे यहाँ पर क्या होता है कि नाश्ता वगैरह करने के बुलाते हैं इसके टाइम पर, तुलसी विवाह के टाइम पर सब लोगों को, और दिवाली के टाइम पे हम लोग नहीं बुलाते हैं, तुलसी के विवाह के टाइम पे बुलाते हैं, सब लोगों को नाश्ता देते हैं इस तरह से। तो इस तरह से होता है, कोई कोई दिवाली के टाइम पे भी बनाता है और कोई कोई इस टाइम पे भी। और इस तरह से मैंने छोले मतलब कुकर में डाल दिया है, उसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया है, कोई कोई हल्दी भी ऐड कर देते हैं उसी में ही, और बॉईल कर लेते हैं। चने को बॉईल करने में मतलब छोले को बॉईल करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है गाइस। तो अब मतलब 5 से 10 विसल लेने के बाद आपके छोले पक जाएंगे, तो इस तरह से। और उधर मैं प्याज भी काट रही हूँ, मतलब प्याज काट के उसका पेस्ट बना लूँगी। और जितना पेस्ट आपको प्याज का लेना है उतना ही पेस्ट आपको टमाटर का भी लेना है, तो प्याज और टमाटर साथ में आपको मतलब उसमें ऐड करना है, तो प्याज और टमाटर का सेम पेस्ट चाहिए होगा आपको। तो यहाँ पर मैं प्याज का पेस्ट मैंने बना लिया है। यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पर, तो इसमें मैं खड़े मसाले डालूँगी, थोड़े से खड़े मसाले की ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं लौंग डाल रही हूँ पहले, और दालचीनी डाली है मैंने, फिर थोड़ी सी लौंग डालूँगी, और तेज़पत्ता मैं उसमें ऐड करूँगी।
इस तरह से, और चला लूँगी सारे मसाले को, तो वो उसकी टेस्ट बहुत ही अच्छी आ जाएगी उसमें तेल में। तो इसी वजह से आपके जो छोले हैं बहुत ही अच्छे बनेंगे। ये मसाला ऐड करना मत भूलिएगा अगर आप छोले बना रहे हो तो, और होटल जैसे टेस्ट आएगी, बहुत ही अच्छे बने थे। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या बोलते हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ उसमें, थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छा लगता है इसी वजह से। और उसे अच्छे से चला लूँगी, मतलब उसकी कच्ची स्मेल जाने तक उसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी तेल में। और उसके बाद जो मैंने प्याज का जो पेस्ट बना के रखा है वो पेस्ट मैं उसमें तेल में ऐड करूँगी। तो उसके बाद वो पेस्ट को भी अच्छे से चला लूँगी ताकि उसमें से ऑयल जो है वो छोड़ने लगे, मतलब अच्छे से आपका मसाला भून जाए ना तो अच्छी टेस्ट आती है, नहीं तो आपकी सब्ज़ी बिगड़ जाती है, यानी कि आपके छोले जो है वो बिगड़ जाएंगे। आप उसकी कच्ची कच्ची सी टेस्ट आएगी और स्मेल भी आएगी। अच्छे से आपको मसाले पे ध्यान देना है, मसाला अच्छे से भून जाए तब तक आपको उसे चला लेना है। और यहाँ पर मैंने टोमेटो का भी पेस्ट बना लिया था, टोमेटो की ग्रेवी जो है वो मैं उसमें ऐड कर रही हूँ। इस तरह से आपको जितना आपने प्याज का पेस्ट लिया है उतना ही आपको टोमेटो का पेस्ट लेना है, बस ग्रेवी भी चलाते जानी है, मतलब ये भी चलाते जाना है अच्छे से। और जब तक आपका मसाला तेल ना छोड़े, आपको अगर लगता है कि ज़्यादा तेल चाहिए तो आप तेल ऐड कर सकते हो। मैंने थोड़ा सा उसमें बाद में तेल भी ऐड कर दिया था क्योंकि बहुत कम तेल हो गया था, और हमारे जो छोले जो है वो बहुत ज़्यादा थे क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना था इसी वजह से। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कम, मतलब लो फ्लेम पे वो मसाला जो है वो भून रख दिया था। और यहाँ पर मैं मैदा जो है वो छान रही हूँ। एक्चुअली गाइस, आपको मैदा जो है कभी भी छान के ही लेना चाहिए, चाहे आप डीमार्ट का मैदा यूज़ कर रहे हो या चाहे आप मतलब लोकल जो मतलब मार्केट से आप खुला मैदा लाते हो वो यूज़ कर रहे हो, कभी भी आपको छान के ही लेना चाहिए। मैं आपको दिखा दूंगी बाद में कि ये डीमार्ट का पैकेट का मैदा है, और पैकेट के मैदे में भी कितना ज़्यादा वो रहता है, कचरा रहता है, आप देख सकते हो। मैंने आपको दिखाने के लिए ही ये क्लिप ऐड की है, और आप देख सकते हो मैंने देखा था, और मुझे भी मतलब ये देखिए, मतलब जो बोरी होती है ना, तो वो बोरी की जो मतलब वो होते हैं धागे होते हैं, तो वो उसमें हो गए थे, मतलब रह गए थे। तो इस तरह से आपको कभी भी कोई भी चीज़, रवा हो, मैदा हो, या कोई भी चीज़ हो, छान के ही लेनी चाहिए। मतलब ये बात तो मैं इससे सीख गई हूँ क्योंकि मतलब क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों ने बहुत ही अच्छी जगह से लाया है और पैकेट का है, तो हम लोगों की ये थिंकिंग होती है कि पैकेट का अच्छा ही होता है, बट ऐसा नहीं है गाइज। मतलब कभी आपको ये रिस्क नहीं लेनी चाहिए क्योंकि हमारे बच्चों का सवाल है, हमारे हमारा खुद का सवाल है। अच्छा ही मतलब थोड़ा सा टाइम लगे भी अच्छा ही करना चाहिए। और यहाँ पर मैं मसाले ऐड कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने लाल मिर्च, हाँ, और हल्दी, और यहाँ पर मैं आमचूर का पाउडर ऐड कर रही हूँ। हल्दी, लाल मिर्च और थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड करना है, गरम मसाला हो आपके पास गरम मसाला ऐड करना है, और आमचूर का पाउडर भूलना नहीं है गाइस, इसमें मस्ट है आमचूर का पाउडर, क्योंकि जो छोले हैं आपके वो आमचूर के पाउडर से ही टेस्ट उसका बढ़ता है। और होटल जैसे ढाबे जैसे जो छोले भटूरे बनते हैं, मतलब छोले जो है वो ढाबे जैसे बनेंगे, जैसे ही आप ढाबे पे खाते हो उस तरह से, और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और यहाँ पर मैं छोले मसाला ऐड कर रही हूँ, यहाँ पर मैं बादशाह का छोले मसाला ऐड कर रही हूँ। आपके पास कोई भी छोले मसाला हो वो ऐड कर सकते हो। मैं बहुत बार मतलब ज़्यादातर एवरेस्ट का ही छोले मसाला मतलब वो यूज़ करती हूँ, बट इस बार इन्होंने ये बादशाह का लाया था तो मैंने बादशाह का यूज़ कर लिया। और यहाँ पर मैं मेरा जो मसाला है वो भून चुका था, उसके बाद मैं उसमें पानी ऐड कर रही हूँ ताकि मसाला अच्छे से भून चुका था, फिर ज़्यादा अच्छे से भून जाने के बाद मसाला जलने लगता है, इसी वजह से मैं थोड़ा सा पानी उसमें ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मेरे यहाँ पर छोले भी बन गए थे, तो जो छोले हैं वो अच्छे से विसल, मतलब उसकी विसल तो आ गई थी अच्छे से, बट वो ठंड नहीं हुए थे, तो मैं उसके विसल निकाल रही हूँ और वहाँ पर पानी पहले ऐड कर दे रही हूँ मसाले में, और उसके बाद उसमें नमक ऐड कर दे रही हूँ। और नमक आपको थोड़ा सा ध्यान से ऐड करना है, कम ही ऐड करना है, क्योंकि हमने छोले में जो है वो नमक पहले ही ऐड कर दिया था, इसी वजह से ज़्यादा नमक ना हो जाए, और उसमें आमचूर पाउडर भी ऐड कर दिया था तो ज़्यादा खट्टा खट्टा हो जाएगा, और उसमें हमने टोमेटो का पेस्ट भी ऐड किया है, तो इसी वजह से
नमक आपको थोड़ा सा ध्यान से ही ऐड करना है। अभी मेरे छोले पूरे पक गए थे यहाँ पर और विसल निकाल दी थी मैंने, तो उसके बाद मैं मेरे जो छोले हैं वो पूरे ऐड कर दूँगी उसमें। और अच्छे से यहाँ पर मैंने छोले ऐड कर दिए हैं और थोड़ा सा पानी आपको लगता है, जितना पानी आपको, जितनी ग्रेवी आपको चाहिए हो तो उतना पानी आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। आपको पतला पसंद है तो पतला ऐड, मतलब ज़्यादा पानी ऐड कर दीजिएगा। अगर आपको गाढ़ा पसंद है तो आप कम पानी ऐड करिएगा। तो इस तरह से आप पानी ऐड कर सकते हो। और थोड़ी देर, क्योंकि हमारा मसाला भी पक चुका था और हमारे छोले भी पके हुए थे, तो इसी वजह से हमें थोड़ी देर ही इसे रखना है गैस पर, और थोड़ी देर ढक के रख देना है हमें। और पानी हम ऐसे ही अपने अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। जैसे मैंने ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा गाढ़ा ही चाहिए था इसी वजह से। और ऐसे ही मैंने पानी ऐड कर दिया था और उसके बाद उसे थोड़ा सा फ्लेम बढ़ा दिया था और गैस पर ढक के रख दिया था। तो मेरे छोले यहाँ पर बन चुके हैं। और हाँ सॉरी गाइस, जब भटूरे का जो मैंने डो भिगोया था तो उस टाइम मैंने शूट किया था, बट वो क्लिप है वो मुझसे मिस हो गया है, मतलब वो डिलीट हो गया है। तो इसी वजह से यहाँ पर मैं भटूरे फ्राई कर रही हूँ, मतलब ये सारा हो जाने के बाद का है, मैंने शूट करना भूल गई थी मैं। और इसी वजह से जब लास्ट में मैंने हमारे खाने के लिए बनाया था तो उसी वजह से मैंने उस टाइम, क्योंकि गर्म गर्म बनाना पड़ता है तो सब लोग आ गए थे, तो हम लोगों ने गर्म गर्म बना के उनको सर्व किया था। और यहाँ पर मैं पूजा जो है वो मतलब स्टार्ट कर रही हूँ, वहाँ पर पूजा मान रही हूँ। तो ये इस तरह से हमारे यहाँ की, तो मतलब मेरे यहाँ की तुलसी यहाँ पर है। और किसी ने मुझे बोला था कि आपके यहाँ पे पौधे कौन कौन से लगाए, तो डियर ज़्यादा पौधे नहीं लगाए हैं हमने, मतलब गमले में लगाया है जो खरीद के लाए हुए हैं, मतलब गुलाब के वगैरह ये वो। और यहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ आपको मेरे पीछे दिख रहा है, वो वाइट फूलों का है। और अद्विक भी बीच बीच में कर रहा था, हाई करने के लिए आया था आप लोगों को। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा पूजा वगैरह की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि पड़ोस में पूजा चल रही थी तब तक मैं पूजा की तैयारी कर रही थी। सब लोग वहाँ पर गए थे, मतलब माही और उसके पापा वहाँ पर पूजा के लिए गए थे, तब तक मैं यहाँ पर हमारे यहाँ की पूजा की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ के लोग सारे हमारे यहाँ पे आएंगे और फिर मंगलाष्टक वगैरह बोलेंगे। और इस तरह से हमारे यहाँ की पूजा होती है और कृष्ण भगवान को सजाया जाता है, वहाँ पर सामने रखा जाता है और फिर दिए वगैरह लगाए जाते हैं, ओटी रखी जाती है, और वहाँ पर गणेश जी, मतलब सुपारी के गणेश जी रखे जाते हैं। तो इस तरह से होता है। और वहाँ पर ना हमने थोड़ा सा नीचे आप देख रहे हो कैरी में, तो थोड़ा सा धनिया भी डाल दिया है इन्होंने इस बार, क्योंकि घर का धनिया अगर निकलता है तो धनिया अच्छा, मतलब कभी अगर भूल गए हैं बाहर से लाना तो घर का धनिया ले सकते हैं इस वजह से। और जो पेड़ दिख रहा है आपको वो सफ़ेद फूलों का, उसके नीचे आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा, तो वहाँ पर ना हमने वो लगाया है, क्या बोलते हैं मिंट लीव्स उसको, क्या बोलते हैं पुदीना पत्ता, तो पुदीना पत्ता लगाया है बहुत सारा, मतलब थोड़ा सा मैंने मम्मी के घर से लाया था मेरे मायके से, बट बहुत सारा फैल गया है वो अब, और घर का ही पुदीना पत्ता निकलता है मेरे यहाँ पे। यहाँ पर मैं रंगोली पे दिया लगा रही हूँ, सारे जगह माही ने दिए लगा दिए थे, तो यहाँ पर मैं रंगोली पे दिया लगा रही हूँ। और बस यहाँ पर मेरी पूजा भी हो गई है, मतलब हाँ रेडी हो गई है यहाँ पर, फिर सब लोग आएंगे और उसके बाद यहाँ पर हमारे यहाँ पे मंगलाष्टक होगा, तो पूजा होगी। फिर पूजा तो मैंने कर लिया है ऑलरेडी, फिर अभी मंगलाष्टक ही बाकी है, तो सब लोग आएंगे और मंगलाष्टक होगा। तो इस तरह से होती है हमारे यहाँ की पूजा। और आप देख सकते हो इस तरह से मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पर ओटी रखी है, यहाँ पर बोर भाजी आवड़ा कृष्णदेव सावड़ा इस तरह से लगाया है। और हाँ गाइस, मैंने आपको बताया था दिवाली के व्लॉग में भी कि माही बहुत दिए लगाने में मुझे हेल्प करती है, तो इस तरह से। और आपको लग रहा होगा कि अद्विक बीच बीच में कर रहा है, तो उसे पता है कि ये आग है, इसे हाथ नहीं लगाना है, बट वो है ना किसी भी काम में हमारे बीच बीच में ही करता है। आपको अगर इतना छोटा बच्चा हो तो आपको पता कि बच्चे जो है थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाते हैं ऐसी चीज़ों में, ऐसी चीज़ों को देखने में, तो इसी वजह से वो चाहे माही कर रही हो चाहे मैं कर रही हूँ बीच बीच में करता है, अरे बेटा साइड में हो जाओ। और हाँ मैं जब मतलब तैयार हो रही थी तो उस टाइम माही ने दिए लगाए थे, और उस टाइम मैंने इनको बोला था कि थोड़ा सा माही का जो है वो शूट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर माही
मतलब दिए लगाने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है, और उसको एक्चुअली पसंद है दिए लगाना। वो मुझे बोलती है कि मम्मा मैं दिए लगाऊँ क्या, मम्मा मैं दिए लगाऊँ क्या। उसको बहुत ज़्यादा दिए लगाना पसंद है और ये काम वही करती है, तो इसी वजह से यहाँ पर सब जगह वो दिए लगा रही है। दिवाली के जैसे नहीं बट मतलब उतने भी ज़्यादा नहीं, बट दिवाली के अगले जिन जब हम दिए लगाते हैं उतने ही वो दिए लगा रही है इस टाइम भी। तो इस तरह से वो दिए लगा रही है सब जगह पे, और अद्विक देख रहा है कि क्या दीदी क्या कर रही है यहाँ पे। तो इस तरह से सारी जगह उसने दिए लगा दिए थे माही ने, और उसके पापा ने वो शूट कर लिया है। और उसके बाद सारी जगह दिए लगाने के बाद उसके पापा और वो पड़ोस में आंटी के यहाँ पे चले गए थे। वो उनके यहाँ भी वो था तो मैं नहीं जा पाई क्योंकि मेरी पूजा जो है वो वहाँ रह गई थी, मतलब वहाँ पर पूजा मारना रह गया था। तो आपने देख ही लिया कि वहाँ पर मैंने पूजा की थी, और दिए लगाने के बाद कुछ इस तरह से लुक दिख रहा था। और आप में से किसी ने मुझे पूछा था कि ये बाहर जो है वो पौधे किस चीज़ के लगाया है, तो पाम के लगाया है। और मैं कितनी बार पाम के पौधे लगा रही हूँ, मतलब पेड़ लगा रही हूँ, बट ना गाय वगैरह आके मतलब खाया जा रही है, तो थोड़ा सा सेफ्टी के लिए हमने वो लगाया था। और यहाँ पर भी वो कमचिया और ताटिया लगा रही मतलब वहाँ पर लगा के रखी है, क्योंकि यहाँ के रोड अभी तक नहीं बने हैं, और हम लोग जब तक रोड नहीं बनता है तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। इसी वजह से यहाँ पर कुछ इस तरह से मतलब वो पेड़ तो लगा के रखे है बट उसका वो नहीं हो पा रहा है, मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर खुला एरिया है और गाय भैंस वगैरह आती जाती रहती है, तो इसी वजह से वो खा लेती है सारे पौधे। और इतने महंगे महंगे हम पेड़ लेके आते हैं नर्सरी से और सारे खा लेती है। मैंने कितने बार चेंज किया, इतने बार वहाँ पर लगाया है बट सारे खा लिए हैं। तो इस तरह से मेरा घर दिख रहा था। यहाँ पर अद्विक अंकल के साथ खेल रहा था, ये श्रीकांत के पापा हैं, और यहाँ पर वो भी कैंडल लगा दिए थे बाद में हम लोगों ने। इस तरह से घर दिख रहा था। और मैं आपको अंदर से दिखा देती हूँ कि मैंने झूमर ऑर्डर किया था मतलब अमेज़ॉन से, तो ये वाला झूमर है वो, और वो लाइट्स भी आपको दिख रहे हैं साइड में, वो भी ऑर्डर किए थे बट उस टाइम अमेज़ॉन हॉल में ये नहीं आए थे, तो इसी वजह से मैं अमेज़ॉन हॉल में शेयर नहीं कर पाई थी। तो इस तरह से ये आज लगा दिए थे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और यहाँ पर सारे लोग आ गए थे, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि बाद में मंगलाष्टक बोलने वाले हैं। गाइस सब लोग चले गए हैं नाश्ता वगैरह करके, और उनके साथ थोड़ा सा मुझे भी खाना पड़ा बट मुँह ही नहीं खुल रहा है मेरा, तो अब क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं क्या वो पानी रखा है गर्म करने के लिए अभी यहाँ पे, और मेज़ देखिए मेरे यहाँ का, मतलब सब लोग नाश्ता करके चले गए हैं, तो सारा मेज़ ऐसे ही पड़ा है, डाइनिंग पे भी वैसे ही पड़ा है, तो सारा मेज़ समेटना है मुझे। और बस मैं सोच रही हूँ अभी इस व्लॉग को यहाँ पर ही एंड करती हूँ, पानी रखा है तो पानी के गरारे कर लेती हूँ पहले, क्योंकि मुंह भी नहीं खुल रहा है मेरा, इससे ज़्यादा मुंह नहीं खुल रहा है, खाना भी नहीं खाते आ रहा है, तो थोड़ा सा मैंने खा लिया फिर भी बट कुछ भी नहीं हो रहा है। तो चलिए फिर इस व्लॉग को यहाँ पर ही एंड करती हूँ और मिलती हूँ नए अच्छे से व्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। अगर आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज, वीडियो रिलेटेड टिप्स वीडियोज, हॉल वीडियोज, मेकअप वीडियोज इस तरह से डालती रहती हूँ। और पानी गर्म हो गया है तो, और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहा है तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, और उन दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़्यादा जाते ज़रूर चेक कर लेना, और इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो। चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। और बच्चे जो है वो अभी क्या बोलते हैं फटाके फोड़ रहा है, आपको बाहर आवाज़ आ रही होगी, बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा है।